हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। तो आज के इस यहाँ पे जो हमने टॉपिक लिया है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हमारा टॉपिक अयोध्या राम मंदिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक से पूरे चांस बनते हैं हर एग्जाम में आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ये अयोध्या विवाद है, अयोध्या राम मंदिर पे जो विवाद चल रहा था, ये बहुत सालों से चल रहा था। और कब से ये सबसे पहले जो कोर्ट में पहुंचा, ये मामला अयोध्या विवाद, ये पहुंचा था 1885 में पहुंचा था, और तब से लेके अब तक ये विवाद चल रहा था, जिसका फाइनली 9 नवंबर 2019 को फाइनल फैसला आ चुका है। और जो फैसला रहा है ये रहा है राम जन्मभूमि न्यास है, इसके पक्ष में ये फैसला रहा है। तो इससे संबंधित देखिए, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अयोध्या विवाद का जो फैसला है किसके पक्ष में मिला। तो ये मैंने अभी बताया था, राम जन्मभूमि न्यास है इसके पक्ष में मिला। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखिए, इसके अलावा जो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और जो सिया वक्फ बोर्ड है, इनको खारिज कर दिया गया है। और इनको खारिज करके जो मुस्लिम पक्ष है, इसको 5 एकड़ की जमीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए। तो ये हमने देख लिया है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जी ये अयोध्या विवाद का जो अयोध्या विवाद है कब से चल रहा था, तो भाई सबसे पहले ये कोर्ट में पहुंचा था 1885 में। तो 1885 में ये सबसे पहले कोर्ट में पहुंचा था, और उसके बाद 1949 में क्या हुआ था, 1949 में मस्जिद है उसमें राम भगवान की मूर्तियां भी पाई गई थी। तो इस तरह से करके 1885 से ये फैसला, ये विवाद चल रहा है। और अब जाके 2019 में, एग्जैक्टली डेट की मैं बात करूँ तो 9 नवंबर 2019 को इसका फाइनल फैसला आया है, फाइनल फैसला सुनाया गया है, जो कि राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया है। और ये जो इस सुनवाई की बात करें तो कुल, मतलब कि लगातार ये सुनवाई चली, कुल 40 दिन तक लगातार ये सुनवाई चली, और 5 जज थे जिन्होंने इसका फैसला किया। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद में फैसला देने वाले जज कौन थे, उनके नाम बताना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया, 5 जज थे। अब ये 5 जज कौन कौन थे जिन्होंने अयोध्या विवाद के फैसला दिया है, तो इनके नाम नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है रंजन गोगोई, तो बिल्कुल ये भी थे। फिर YV चंद्रचूड़ यहाँ पे करना है, ये भी थे। अशोक भूषण ये भी थे, अब्दुल नाजिर ये भी थे, और एक जो बच गए हैं वो है AS बोबड़े। तो यहाँ पे देखो, AS बोबड़े की बात करते हैं, तो गाइस ये अभी जो AS बोबड़े हैं, ये रंजन गोगोई का रिटायरमेंट होएगा 17 नवंबर को, और उसके बाद जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो बनेंगे AS बोबड़े। अभी वर्तमान में भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो है रंजन गोगोई, जो कि 46वें नंबर के हैं, और 47वें नंबर के जो भारत के चीफ जस्टिस बनेंगे वो बनेंगे AS बोबड़े। तो ये 5 जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया। तो यहाँ जो आंसर होएगा, उपरोक्त सभी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट है, इसने अपनी सुनवाई कब पूरी की, ये बताना है। तो अभी मैंने बताया था 9 नवंबर को पूरी की, 9 नवंबर को फाइनल फैसला दिया है, तो आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहां पे देखो, 9 नवंबर को तो ये सुनवाई है ये पूरी कर ली, लेकिन मतलब 9 नवंबर को तो ये फैसला दे दिया है ना, लेकिन जो सुनवाई है वो 16 अक्टूबर को ही पूरी कर ली थी, लेकिन 16 अक्टूबर को पूरी कर ली थी लेकिन फैसला नहीं सुनाया था, और फैसला सुनाया है 9 नवंबर को, आपको याद रखना है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद का जो फैसला वो कितने एकड़ की जमीन का था। तो यहाँ पे अगर बात करें अयोध्या विवाद की, तो इसका जो फैसला है वो है 2.77 एकड़ जमीन का है। अब देखिए यहाँ पे जो विवाद है वो तो 2.77 एकड़ जमीन का है, और मुस्लिमों को जो मस्जिद बनाने के लिए जो जमीन दी गई है वो दी गई है 5 एकड़ जमीन दी गई है अयोध्या में, कि भाई यहाँ पे आप अपनी मस्जिद बना सकते हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जगह मिली थी, ये मैंने अभी बताया 5 एकड़, आपको याद रखना है 5 एकड़। अब यहाँ पे देखिए, 5 एकड़ जमीन इनको दी गई है, और कहा गया है कि भाई अयोध्या में किसी भी जगह, मतलब कि मंदिर के आसपास या कहीं भी, इनको ये जो भारत सरकार है इसकी ओर से इतनी जमीन दे दी जाएगी, और वहाँ पे ये अपनी मस्जिद बना सकते हैं। अब जो मस्जिद की बात करें, तो ये किसके शासक काल की मस्जिद थी, जो तो ये थी जो बाबर है इसके शासक काल की, और इस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद का जो फैसला है कितने जजों की सर्वसम्मति से हुआ, तो ये भी मैंने बताया था 5 जज बैठे थे और इन्होंने ये फैसला दिया, तो आंसर हो जाएगा 5। अब वो 5 जज कौन कौन थे, तो नोट डाउन कीजिए नाम, रंजन गोगोई जो कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस है, और उसके अलावा AS बोबड़े जो कि अब अगले चीफ जस्टिस बनेंगे भारत के, उसके अलावा DY चंद्रचूड़, फिर अशोक भूषण और AS नाजिर यानी अब्दुल सिंह अब्दुल नाजिर, आपको याद रखना है ये 5 जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया। तो ये चीज़ें हम बता चुके हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद में मंदिर बनाने में कितने दिन का समय दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 महीने का। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि 3 महीने में क्या मंदिर पूरा बन जाएगा क्या, देखो 3 महीने में मंदिर नहीं बनेगा पूरा, ये चीज़ सभी को पता है, लेकिन जो ये समय दिया गया है ना 3 महीने का, ये कैसे दिया गया है कि जो केंद्र है वो 3 महीने में क्या बनाएगा, ट्रस्ट बनाएगा, आपको याद रखना है ट्रस्ट बनाएगा 3 महीने में, और जो ये ट्रस्ट बनाएगा ये ट्रस्ट वो ट्रस्ट होगा जो मंदिर का निर्माण कराएगा, और यहाँ पे मंदिर की जो पूजा करने का जो अधिकार मिला है ना वो मिला है गोपाल सिंह विशारद, तो आपको याद रखना है गोपाल सिंह विशारद, आपको याद रखना है जिनको पूजा करने का अधिकार मिला है जो ये अयोध्या में जो राम मंदिर बनेगा इसमें, और 3 महीने के अंदर यहाँ पे जो ट्रस्ट बनेगा वो कराएगा मंदिर का निर्माण। अब देखिए यहाँ पे बोला है अगला क्वेश्चन कि अयोध्या में मस्जिद है ये किसके शासक काल की में बनी, तो ये मैंने बताया था बाबर, आपको याद रखना है ऑप्शन बी है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इस मस्जिद का क्या नाम था ये भी पता होना चाहिए, तो मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि अयोध्या की जो मस्जिद है इसका नाम बताना है, जो कि मैंने अभी बताया बाबरी मस्जिद, आपको याद रखना है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली, तो ये भी मैंने बता दिया है लगातार ये सुनवाई चली 40 दिन तक, तो आंसर हो जाएगा 40 दिन तक लगातार इस विवाद पर क्या चली, सुनवाई चली। नेक्स्ट बताना है अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या की बात करते हैं तो सरयू नदी के किनारे है, तो आंसर हो जाएगा सरयू नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांस बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। अब यहाँ पे यमुना दिया है, तो यमुना की बात करें तो जैसे कि आगरा दिल्ली इलाहाबाद ये कहाँ पे, यमुना नदी के किनारे, मथुरा वगैरह हो गया ये, और गंगा नदी के किनारे कानपुर वाराणसी और जो हरिद्वार, इस तरह से याद रखना है। अब यहाँ पे हुबली दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है कोलकाता हुबली नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की चीफ जस्टिस कौन है, तो अभी मैंने देखो कई बार बता चुकी हूँ ये, जो वर्तमान में भारत की जो चीफ जस्टिस है वो है रंजन गोगोई, आपका याद रखना है। अब इनका जो कार्यकाल समाप्त होगा वो होगा 17 नवंबर को समाप्त होगा, और यहाँ पे अगले जो चीफ जस्टिस बनेंगे भारत के वो बनेंगे AS बोबड़े, तो ये भी चीज़ हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष में सबसे पहले वकील कौन है ये बताना है, तो मुस्लिम पक्ष के जो सबसे पहले वकील हैं वो है जफरयाब जिलानी, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आपको याद रखना है कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष है इसके जो सबसे पहले वकील है उनका नाम है जफरयाब जिलानी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अयोध्या वो किस राज्य में स्थित है, तो अयोध्या का आप सभी को पता होगा कौन से राज्य में है, ये है उत्तर प्रदेश में, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ, है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि अयोध्या से विवाह से संबंधित हैं तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन पाए हैं उन सभी को यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका हम इजीली आंसर कर पाएं। तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही घंटे के चिन्ह को जरूर दबा लीजिए जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।